बिल्कुल। और विपिन, इसके अलावा कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस में लगने वाले पैरू 5 सर्टिफिकेट 1500 से ज्यादा जारी कर दिए गए हैं, जैसा कि आप लगातार बता रहे हैं, जबकि जनवरी महीने से अगस्त महीने के आंकड़ों में 1122 कमर्शियल लाइसेंस पास किए गए हैं और करीब 300 से 400 लगभग कमर्शियल लाइसेंस में 5 अब भी पेंडिंग है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। जो ड्राइविंग कर रहा है, जिसको आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसके साथ भी और साथ ही साथ दूसरे लोगों के साथ भी, क्योंकि जब वो सड़क पर चलेगा तो कहीं ना कहीं किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ रोक रही हूँ विपिन, क्या मेरी बात दयाशंकर जी से हो रही है, परिवहन मंत्री हैं यूपी सरकार में? जी जी, मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बोल रही हूँ। जी बताएं। दयाशंकर जी, बहुत सारी शिकायतें लगातार मिल रही है उन्नाव से। हाँ। शिकायत ही मिल रही है कि कुछ ट्रेनिंग स्कूल है जो ड्राइविंग सिखाते हैं, वहां पर फर्जीवाड़ा है मोटर ड्राइविंग स्कूलों में। नहीं, कोई शिकायत होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। ऐसे हम लोग ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब ऑटोमेटिक बना रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने, परिवहन विभाग ने 14 ADTI बनाया है, जिसको मारुति से MOU साइन करके मारुति ने उसको अपने CSR फंड से 5 अयोध्या, काशी, प्रयाग, मथुरा और गोरखपुर, उन्होंने इसको कंप्लीट किया है। और 12 फिर और MOU हमने साइन किया है उनके साथ, जो है वो ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा, जिसमें सेंसर के माध्यम से उस पर टेस्टिंग होगी, पूरे कंप्यूटराइज है, 8 प्रकार का टेस्ट होगा, मैनुअल नहीं रहेगा, कोई फेल को पास नहीं कर सकता है और पास को कोई फेल नहीं कर सकता है। इस तरह का व्यवस्था सरकार ने बनाया है और हर जनपद में 2 DTI ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अनिवार्य रूप से, हम लोग PPP मॉडल पे प्राइवेट पार्टनर के साथ हम लोगों ने बनाना शुरू किए हैं। अब पीलीभीत में, नोएडा में। दयाशंकर जी, आप यूपी सरकार में मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, आपने फोन उठाया, हमसे आप बात कर रहे हैं, मेरे सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, अधिकारी जवाब नहीं देते हैं, कार्यालय जाओ तो वहां पर भी नदारद मिलते हैं। नहीं, यदि ऐसा कहीं की शिकायत हो, हमको संज्ञान में आए तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। सभी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से कहा गया है कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक सभी हमारे प्रशासन के जितने अधिकारी हैं, RTO प्रशासन, RTO प्रशासन अनिवार्य रूप से ऑफिस में बैठेंगे। यदि कोई इस बीच में बिना लिखित कारण से अब्सेंट होगा तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। आप अपने, आपके पास अपने तो जानकारी होगी, RTO उन्नाव का जो RTO है वहाँ पे कितना फर्जीवाड़ा निकल कर सामने आया है। आप अपने टीवी कैमरे से 10 बजे से 12 बजे तक ये अपने ऑफिस में न बैठ रहे हो, आप उसको एक क्लिप बना करके मेरे यहाँ भेज दीजिए, मैं सस्पेंड कर दूंगा। ठीक है, मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर उन्नाव में वो आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं। विपिन, दयाशंकर जी परिवहन मंत्री यूपी सरकार में हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। मंत्री जी, सबसे पहला सवाल है कि उन्नाव में 4 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हैं, जिसमें से उन्नाव मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल और न्यू वाशु मोटर ड्राइविंग स्कूल, जो कि मानक SOP मानक के विपरीत बने हैं, जिसमें सिमुलेटर पूरी तरीके से खराब हालत में है, जो डेमोक्रेशन रूम है वो पूरी तरीके से कबाड़ में तब्दील हो चुके, बिना ट्रेनिंग दिए ही यहाँ उन्नाव में उन्नाव मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल और न्यू वाशु मोटर ड्राइविंग स्कूल ने भारी मात्रा में करीबन 1200 से 1500 के आसपास फर्जी हैवी लाइसेंस में लगने वाला जो प्रारूप 5 सर्टिफिकेट है वो काट दिया गया है, जिसमें से करीबन जनवरी माह से इनके स्कूल खुले हैं, करीबन 30 जनवरी 2024 में विद्यालय खुला है, लेकिन विद्यालय खुलने से पहले ही इन्होंने 8 जनवरी 2024 को करीबन 157 लाइसेंस जो है फर्जी तरीके से जारी कर दिए। हालांकि इसके बाद जो न्यू आशु मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग है, तो इन दोनों स्कूलों ने जिस तरह से फर्जीवाड़ा किया है, तो ये मामले सामने आ चुके हैं, परिवहन आयुक्त उसकी जाँच कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं, मामला खुल के सामने आ चुका है। यहाँ के जो RI है उन्होंने बाकायदा बैठ के जो लाइसेंस है वो पूरी तरीके से पास कर दिए। मामला जब खुल के सामने आ गया, मामला तस्वीरें सामने आ गए, उसके बाद भी अभी कोई अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। सर, RI फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। यदि जांच में दोषी पाए जाएंगे तो सख्त कार्रवाई होगी, और यदि कोई जांच रिपोर्ट आपके पास है तो हमारे यहाँ प्रस्तुत करिए, तुरंत कार्रवाई होगी।
आप जांच कंप्लीट होते ही मेरे पास आती है ये, और मैं इस पर तुरंत कार्रवाई करता हूं। और जहां तक आपने कहा कि जो ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अब ये मानक के विपरीत है, अब हम लोग जो है नए मानक के साथ एक पास किए हैं कि हमारे ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है, और हर जनपद में दो हमारे प्राइवेट पार्टनर के साथ हमारे एमओयू साइन हुआ है, वो लोग बनाएंगे। अब जब से वो प्रारंभ हो जाएगा तो ये जितने इस तरह के जो बिना मानक के हैं वो उनका कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ना वहाँ पर कोई उनके प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा। बिल्कुल, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि हर जनपद में कम से कम दो हम लोग मानक के जो जिसमें ऑटोमेशन करा करके, मैंने ऑटोमेटिक ऑटोमेशन जिसमें सिमुलेटर भी रहेगा, ये सभी चीजों की व्यवस्था रहेगी, उसी से एमओयू साइन हुआ है और उसी के ही केवल टेस्टिंग मान्य होगी, बाकी जगह का जो टेस्टिंग मान्य नहीं की जाएगी। दयाशंकर जी, जो भी रिपोर्ट है वो मेरे सहयोगी आपके पास तक पहुंचा देंगे, और जो भी आज उनके पास रिपोर्ट है तो आज आ जाएं, आज मैं अभी दफ्तर पे 4 बजे से बैठूंगा, ले आकर के देंगे, तुरंत कार्रवाई हो। ठीक है दयाशंकर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी समस्या सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन, देखिए कोई अधिकारी तो फोन नहीं उठा रहा था, लेकिन परिवहन मंत्री जी ने फोन उठाया और उन्होंने साफ आज की आज कहा है कि आप आ जाइए जांच रिपोर्ट लेकर, आज की आज